शादी कर दी गई थी जल्दी तो जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा और उनके मंत्र पढ़ा कि भाई शिक्षित बनो तो मैं मुझे सबसे पहले यही सोचा मैंने कि भाई मैं तो शिक्षित ही नहीं तो मैंने सबसे पहले शिक्षा ही ग्रहण की वो लोग ये सोचते कि हम पैसे वाले हैं लेकिन हम भी वही चीज़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम भी अपने बच्चों को उस स्टेज पर ला सकते हैं जिस पर आप देखते क्योंकि वो हम लोगों हम लो, हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको जल्दी से जगह नहीं देते हैं पुराना वाला जमाना नहीं है कि छोटा कहकर या नीच कहकर दबा दिया जाता था या उनका शोषण किया जाता था लेकिन हमारे महापुरुषों की विचारधारा ने वो तैयार कर दिया है एक युवा कि अब किसी की जोर जबरदस्ती या हमारे ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनीत आवाज इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद रोड पर वजीराबाद रोड पर यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे कलाकार जुटे हैं तो उन्हीं में से एक हमारे साथ है उन्हीं से उनका नाम जान लेते हैं अगर आप जानते होंगे तो और उन्हीं से ही जानते हैं किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज खुशहाली और उत्सव मनाया जा रहा है तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए मेरा नाम पूनम अम्बेडकर है और मैं दिल्ली से हूँ पहले तो सभी दर्शकों को बुद्ध जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं और ये जो प्रोग्राम है ये देश भर में पूरे विदेश देश भारत मतलब सब जगह फेमस है वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है जो हर साल किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा पर तो ये जो प्रोग्राम जो अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर जिस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं क्या हमेशा ही इस तरीके से इंतज़ाम किए जा बिल, बिल्कुल इसी तरीके से होता है हर साल क्योंकि ए, बुद्ध पूर्णिमा हमारे महापुरुष बुद्ध भगवान की है और उन्होंने देश में शांति का संदेश दिया है और इसलिए हम उनका जन्मदिन बड़े हर्षो उल्लास से मनाते हैं एक देश को अमन शांति का संदेश देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचारों में हमेशा अमन शांति का ही संदेश दिया है एकता का संदेश दिए तो अच्छा अभी मैंने जाना कि आप समाज सेवा भी करती हैं बहुत अच्छा कार्य करती है तो समाज सेवा में आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है समाज से जुड़ा हुआ देखिए जो महिलाएं हैं हमारी है वो सिर्फ घर तक सीमित रहती हैं उनको ये नहीं पता कि संविधान में उनके कितने अधिकार हैं किस तरीके का अधिकार है किस अधिकार को आप किस जगह यूज़ कर सकती है और अंधविश्वास में ज़्यादा हमारी महिलाएं फंसी रहती हैं जिससे कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती हैं सिर्फ़ अंधविश्वास के कारण ही उस पैसे को बर्बाद करते तो हम लोग गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करते हैं और उन्हें शिक्षा का महत्व तो बताते हैं कि अगर आप शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी दिलवाएंगी तो उसमें आपका भी भला होगा समाज का भी होगा और आपके बच्चे का भी होगा में मतलब उस महिलाओं से जुड़े हुए बच्चे भी आ जाते हैं और महिलाएं भी होती हैं ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं कि मतलब महिलाओं को अपने जो है राइट्स नहीं पता है तो उस राइट्स के लिए काम बहुत कम लोग करते हैं आप ये काम कर रही है क्या कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली देखिए पहले तो मैंने बाबा साहब को पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ने के बाद सबसे पहले उनका जो मंत्र है वो यही है कि शिक्षित बनो तो उनका ये जो मंत्र है वो हमने घर घर गांव गांव जाकर फैलाने का काम किया उनकी जो विचारधारा है वो फैलाने का काम किया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे आप खुद भी शिक्षित होंगे अगर आप बीच में कभी छोड़ भी दें क्योंकि मैंने भी मेरी शादी से पहले पढ़ाई छूट गई थी शादी कर दी गई थी जल्दी तो जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा और उनके मंत्र पढ़ा कि भाई शिक्षित बनो तो मैं मुझे सबसे पहले यही सोचा मैंने कि भाई मैं तो शिक्षित हुई ही नहीं तो मैंने सबसे पहले शिक्षा ही ग्रहण की और फिर मैंने बी तक पढ़ाई की बी तक पढ़ाई जी हाँ जब जैसी शादी हुई थी तब मैं आठवीं क्लास में पढ़ रही थी आपकी आठवीं क्लास में जब पढ़ रही थी तो तब शादी हो गई थी आपकी जी, जी। उसके बाद आपने पढ़ाई जी जी बाबा साहब पति आपके हस्बैंड ने कभी पढ़ाई की शिक्षा के लिए कभी रोक टोक इस तरीके का किया हो क्या देखिए समाज जो है कभी भी शिक्षित होने नहीं देता देखिए शादी के बाद तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फैमिली भी होती है तो सबका ध्यान रखना होता है क्योंकि एक औरत जो है उसको घर भी देखना होता है समाज भी देखना होता है और ख़ुद को भी देखना होता है तो प्रॉब्लम्स तो आती है लेकिन हम अपने महापुरुषों को पढ़कर कर कहाँ तक उस जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कहाँ तक ढूंढ सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है तो किस तरीके की दिक्कतें आई थी जब आपने शादी के बाद पढ़ाई अपनी शुरुआत की एक ससुराल में रहकर पढ़ाई और शिक्षा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत आई क्योंकि ससुराल में थी और जो फैमिली वाले हैं वो थोड़े से दूसरी विचारधारा के हैं कि भाई गांव के हैं तो थोड़ा सा उनका विचार थोड़े अलग हैं तो पर मैं उनकी जो जो घर का काम होता था उनकी जितनी भी मतलब कोई भी कहने का मौका नहीं छोड़ती थी तब जाकर वो लोग मुझे कहते नहीं थे क्योंकि अगर मैं घर का काम छोड़ दूँ और पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ तो मुझे ज़रूर सुनने को मिलती लेकिन मैं क्या करती थी कि सुबह ही उठ जाती चार बजे और घर का सारा काम ख़त्म करके अपनी पढ़ाई करती पेपर देने जाती तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एक महिला को लेकिन ना मैं हर महिला से ये कहूँगी कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है आप अपने महापुरुषों को पढ़कर देखो क्योंकि सारा समाधान उन्होंने आपको लिख कर दे रखा है आप सिर्फ़ पढ़िए उनको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी समाज के अंदर चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ चाहे पढ़ाई के में चले जाओ चाहे समाज सेवा के में किसी भी फील्ड में जाओ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या कुछ करने का इरादा है यहाँ पे देखिए मेरा मन संचालन है यहाँ पर और बुद्ध पूर्णिमा बड़े उल्लास से हर साल हम मनाते हैं और गैदरिंग भी अच्छी होती है दस पंद्रह हज़ार लोगों से कम नहीं होते हैं और एक जो समाज में जो हमारे बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम हम लोग करते हैं यहाँ पर ये लाइव बुद्धा म्यूजिकल के ज़रिए से बच्चों की जो उनको मंच नहीं मिल पाते तो हम लोग उनको ढूंढ़ ढूंढ़कर कर निकालते हैं और उनको मंच देते हैं और पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रतिभाओं को दिखाने का काम करते हैं ये बहुत अच्छा आप कार्य कर रही हैं जिस तरीके से मतलब हम इस समाज से जुड़े हुए जो बच्चे हैं खासकर जो एस सी एस टी ओ बी सी माइनोरिटी वर्क से बच्चे हैं उनको कहीं जो है इस तरीके से कहीं मंच नहीं मिलता है या फिर सवर्णों के साथ इस तरीके से काम करने का मौका मिल भी जाए तो उनको जो है काम करने नहीं दिया जाता इस तरीके से उनको उनके साथ किया जाता है आप इस तरीके से मंच जो है उनको दे रही हैं तो क्या कुछ रहता है मतलब इसमें और जो उनके माता पिता हैं क्या आपसे इन सब चीज़ों से सहमत होते हैं या उनके माता पिताओं को भी आपको समझाना पड़ता है या वो भी आगे आते हैं। नहीं देखिए वो भी आगे आते हैं क्योंकि उनके बच्चे इस मोमेंट पर निकले हैं सभी एस सी के बच्चे हैं। तो ज़्यादातर तो अपने महापुरुषों को जान ही गए हैं लोग क्योंकि मंचों के जरिए से गांव में कैडर होते हैं उनके जरिए से अब आ, लोग महापुरुषों को जानने लगे तो वो विरोध नहीं करते हैं बल्कि उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाए आप देखिए अभी तो यहाँ थोड़ी तैयारी चल रही है जब प्रोग्राम चालू होगा तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मंच लगाए जाते हैं फैशन फैशन शो के जो मंच लगाए जाते हैं आपने देखा होगा उसी तरीके का ये मंच तैयार किया जाता है बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं की तरह हम तैयार करते हैं क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे वाले हैं लेकिन हम भी वही चीज़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम भी अपने बच्चों को उस स्टेज पर ला सकते हैं जिस पर आप देखते हैं क्योंकि वो हम लोगों हम हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको जल्दी से जगह नहीं देते हैं अभी हमारे देश में जिस तरीके से लोग और युवा हैं तो कितने लोग जान चुके हैं बाबा साहब को और उनकी जितने भी उन्होंने चिंतन मंथन किए और जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने पैगाम दिए मैसेजेस दिए तो कितना लोग जान चुके हैं बाबा साहब और गौतम बुद्ध को देखिए अभी आपने देखा होगा छः सात पाँच छः साल पहले से पहले लोग इतना बाबा साहब को या बुद्ध को नहीं जानते थे लेकिन पाँच छः साल में इतनी जागृति आई है कि अगर कोई आ, किसी के साथ एट्रोसिटी होती है या फिर कोई भेदभाव होता है हमारे एस सी के साथ में तो लोग एकजुट हो जाते हैं तुरंत तुरंत उन पर एफ दर्ज शुरू हो जाती है बल्कि पहले ऐसा नहीं था आ, उनके ऊपर अत्याचार होता था बातें छुपा ली जाती थी आगे नहीं आते थे लेकिन आ, चार पांच सालों में आपने देखा बहुत ज़्यादा जागृति आई है और लोग विरोध करने लगे हैं उनको पता चल चल गया है कि हमारे अधिकार क्या हैं हम इस अधिकार के तहत हम इस पर एफ दर्ज कर सकते हैं जैसे एस एक्ट है हम इसके और इसको लेकर इसके ऊपर एफ़ दर्ज करवा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा जागृति आ रही है और मैं तो कहूँगी कि आगे भी ऐसे ही आती रहेगी और लोग जागरूक होते रहेंगे क्योंकि अब वो पुराना वाला ज़माना नहीं है कि छोटा कहकर या नीच कहकर दबा दिया जाता था या उनका शोषण किया जाता था लेकिन हमारे महापुरुषों की विचारधारा ने वो तैयार कर दिया है एक युवा कि अब किसी की जोर ज़बरदस्ती या हमारे ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे और क्या कुछ किया जा रहा है आज देखिए यहाँ पर हाँ, पहले तो आप देखिएगा दस कैंडिडेट हैं हमारे आठ दस हैं और उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज़ दिया जाएगा उनमें से जजेस जो हैं वो छाँट कर निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड फिर उसके बाद प्रोग्राम नाच गाने का भी है तो बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं क्योंकि इसलिए म्यूज़िकल नाम भी है लोड बुद्ध है म्यूज़िकल तो म्यूज़िक का तो प्रोग्राम होगा ही तो आज हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी बुद्ध पूर्णिमा के दिन देखिए हमारे जो महापुरुष हैं उनको पढ़िए और बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है शांति का संदेश ये दिया है कि भाई आप किसी के साथ हिंसा ना करें ये नहीं कहा है कि अगर आपके साथ कोई हिंसा करे तो आप चाटे खाकर या मार खाकर वापस आ जाएं। ये आ, सिर्फ ये कहा है कि आप किसी के साथ अत्याचार ना करें और हमारे महापुरुषों ने वो चीज़ें दी हैं कि जो आ, इन आ, ऊंच नीच करने वालों या हमारे साथ भेदभाव करने वालों को आप जवाब दे सकते हैं उनको पढ़िए अपनी महिलाओं को समाज में बाहर निकालिए अपने बच्चों को दिखाइए ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में लाइए जिससे पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया है और हमारे महापुरुष हैं कौन और उन्होंने किया क्या है तो मंचों के जरिए से ही या कैडर के जरिए से ही आप जान पाते हैं या किताबों के जरिए से आप जान पाते हैं तो जो लोग अनजान हैं उनको पढ़ना चाहिए बहुत कुछ मिलता है आप लोग प्रगति की राह पर चलेंगे एक समानता वाला जो देश है उसे बना पाएंगे क्योंकि आपका सहयोग भी जरूरी है इस देश में अगर आप बुद्ध की जो विचारधारा है उसको फैलाने का काम करें तो शांति और समानता का देश बन सकता है बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मैम पूनम अंबेडकर जी से हमने बात की और उनके विचार जाने बहुत अच्छी उन्होंने एक सीख दी है महिलाओं के लिए कि महिला अगर शादी शुदा भी हो जाए तो उसके बाद वो अपनी प्रगति को रोक नहीं सकती है वो आगे भी तरक्की कर सकती है उन्होंने ये सीख दी है महिलाओं के लिए और ऐसी ही आगे बढ़ती रहे महिलाएं और और इसी तरीके का उन्होंने संदेश दिया है और ये संदेश दूर दूर तक उन महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आखिर गौतम बुद्ध जी ने और अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है तो उनकी जो शिक्षा है और उनके संदेश हैं वो ज़रूर पढ़ें और ज़रूर जाने और अपने अधिकार हक अधिकार को जाने कि आपके राइट्स क्या हैं इन सब चीज़ों से परे आप अगर इतने महान पुरुषों को अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में गौतम बुद्ध जी ने क्या संदेश दिया था इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़ नई दिल्ली